दोस्तों क्रिकेट और फुटबॉल से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ इस घंटा को भी दबा देना ताकि आप कोई भी खबर या जानकारी मिस न कर पाए। हेलो दोस्तों, मैं हमीर, आपके एमस्टी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आगे बीटॉक के एक नए एपिसोड लेकर इसमें आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में आईएसएल 5 से जुड़े। जैसा कि नॉर्थ यूनियन रेप्स ने अपना सेकंड विदेशी खिलाड़ी साइन कर लिया है, उसके बाद हर टीमों के प्री सेशन का क्या डेस्टिनेशन है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो जानकारी वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने अपना सेकंड विदेशी खिलाड़ी साइन कर लिया है, एकदम कंफर्म कर लिया है आज अपना जो ट्विटर का ऑफिशियल पेज है वहां पर। और पिछले दिन नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने अपना फर्स्ट विदेशी खिलाड़ी साइन किया था, मैं आपको बता दिया था। आपको अगर पता नहीं है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, आप देख लीजिए। और दोस्तों बेसिकली इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का जो मैं स्पेशल वीडियो बनाया था उस वीडियो में आपको इस खिलाड़ी के बारे में बता दिया था कि ये लगभग कन्फर्म हो चुका है। तो दोस्तों इसका नाम है जुआन क्रूज मासिया। तो दोस्तों ये उरुग्वे से बिलोंग करते हैं, फॉरवर्ड में खेलते हैं और 24 साल इनका उम्र है। इनके बारे में और भी अगर डिटेल में आप अगर जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया दिया है, जो नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के लिए स्पेशल वीडियो था वहाँ पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है, आप देख लीजिए उस वीडियो को। उसके बाद दोस्तों जमशेदपुर एफसी चला गया है अपना प्री सेशन खेलने के लिए माद्रिद, जो स्पेन का एक जगह है वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना फर्स्ट प्री सेशन मैच भी खेल लिया जहाँ पर उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जीत हासिल किया था। दोस्तों उनके विरुद्ध टीम था टॉरे लोडोन्स, जो टीम बहुत ही एक अच्छा टीम है स्पेन का, बहुत ही अच्छा खेलता है, लेकिन उस टीम को भी हरा दिया जमशेदपुर एफसी ने 1-0 से। एक गोल लगाया था दोस्तों मीमो ने, एक बहुत ही ज़बरदस्त गोल लगाकर इस मैच में जमशेदपुर एफसी को जीत हासिल करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो दोस्तों न्यूज मैं आपको बताने जा रहा हूँ है अब्राहम ग्रांट के बारे में, जो नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का पिछले साल हेड कोच था। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि अब्राहम ग्रांट नॉर्थ यूनाइटेड एफसी को छोड़ दिया है, लेकिन आप लोग मुझे बार बार कमेंट करके बता रहे थे कि अब्राहम ग्रांट उनका एडवाइज़र हो गया है। हाँ तो दोस्तों ये न्यूज़ एकदम सही न्यूज़ है, अब्राहम ग्रांट को नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने वापस बुला लिया है और अपना एक एडवाइज़र बना दिया है, जो एक एडवाइज़र के तौर पर आईएसएल 5 में नॉर्थ यूनाइटेड तरफ से अपना जो रूप है वो निभाएगा। और दोस्तों उसके बाद चलिए मैं आपको सभी टीमों का डेस्टिनेशन बता देता हूँ कि वो कहाँ पर जाकर अपना प्रैक्टिस मैच खेलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले एटीके के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों एटीके स्पेन जा चुका है, एटीके का टीम, और वहां पर जाकर कुछ प्रैक्टिस मैच भी खेलने वाला है। हालांकि उस प्रैक्टिस मैच का डेट अभी भी घोषणा नहीं किया है एटीके ने, लेकिन उनको उनका जो लास्ट डेट है स्पेन का वो है 16 सितंबर, यानी कि 16 सितंबर वो वापस आ जाएगा इंडिया में, और उससे पहले उनको अपना जो जितने भी प्रैक्टिस मैच है वो शेड्यूल करना पड़ेगा। अगर इनके बारे में कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों बेंगलुरु एफसी, इनका जो प्री सेशन था वो हो गया, जो बहुत ही बुरा गया, उन्होंने एक भी मैच में जीत हासिल नहीं कर पाया था, और उनका जो डेस्टिनेशन था वो था वेलेंसिया स्पेन। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो दोस्तों है दिल्ली डायनामोस। तो दोस्तों दिल्ली डायनामोस इंडिया में ही अपना प्री सेशन खेलेगा कोलकाता और दोहा में। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों एफसी गोवा जाएगा माद्रिद स्पेन, जहां पर जाकर वो अपना प्री सेशन मैच खेलने वाला है। तो दोस्तों इनका जो डेट है वो है 22 अगस्त से, यानी कि उन्होंने उनका जो टूर है वो चला गया है जहाँ पर उनको जाना था, यानी कि माद्रिद स्पेन वो चला गया है 22 अगस्त को, और उनका लास्ट डेट है वापस आने का वो है 17 सितंबर। उसके बाद दोस्तों जमशेदपुर एफसी भी माद्रिद स्पेन पे ही गया है, आपको मैं बताया कि वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना प्रैक्टिस मैच जो पहला था वो खेल लिया। उसके बाद चेन्नई एफसी के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि वो मलेशिया जाएगा, वहाँ पर एक मैच खेलने वाला है। उसके बाद दोस्तों केरला ब्लास्टर अभी तक अपना प्री सेशन डेस्टिनेशन घोषणा नहीं किया है। हालाँकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि केरला में अभी क्या चल रहा है, उनका जो प्रैक्टिस सेशन भी था कोची में वो भी कैंसिल होकर अब अहमदाबाद में शिफ्ट हो चुका है। तो उनका प्री सेशन का अभी भी कुछ मुझे खबर पता नहीं चला है, आप लोगों का कुछ भी पता चला है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में सभी को बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों जाते हैं नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के डेस्टिनेशन पर। तो दोस्तों नॉर्थ यूनाइटेड जाएगा तुर्की, वहाँ पर तुर्की जाकर वहाँ पर अपना प्रैक्टिस मैच खेलेगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मुंबई सिटी एफसी, जिनका कुछ अता पता नहीं मिल रहा था, लेकिन दोस्तों आज जो उनका कोच था कोस्टा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया जहाँ पर उन्होंने घोषणा किया कि वो थाईलैंड जा गया
चार दिनों के अंदर ही वो थाईलैंड जाकर वहाँ पर मुंबई सिटी एफसी का जो पूरा टीम है उसको लेकर प्रैक्टिस मैच खेलने वाला है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि चार मैच होने वाला है और लगभग दो हफ्ता वहाँ पर वो रहेगा अपने टीम के साथ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एफसी पुणे सिटी, तो दोस्तों एफसी पुणे सिटी इंडिया में ही रहेगा, अपना पुणे का जो होम ग्राउंड है वहाँ पर ही अपना जो प्रैक्टिस मैच है खेलेगा और जो जितना भी उनका प्रैक्टिस करना है वो पुणे में ही करने वाला है। तो दोस्तों ये तो था सभी टीमों का प्री सीजन का डेस्टिनेशन। आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो इस कॉन्सेप्ट जुड़े तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर भी आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह के इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में पता चले। आईएसएल 520 में आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अलविदा।